हेलो डियर डीवाई बीएससी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अनदर वीडियो लेक्चर ऑफ योर इम्यूनोलॉजी सेकंड। एंड वी ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड द मेजर पॉइंट्स ऑफ द इम्यूनोहेमाटोलॉजी चैप्टर एंड वी हैव ऑलरेडी सीन सम इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑफ द चैप्टर एज वेल एज द एप्लीकेशंस ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ऑल्सो। एंड नाउ हियर वी विल सी द वन मोर point that relates you in a day-to-day life, that is the blood banking practices, okay, that we perform in our day-to-day life. Now we all know the word bank refers to something that is a resource of some thing, okay, that is a resource for anything, okay, that we called as a bank. And the blood bank refers to the resource of the blood that we collect, that we have to store for a longer times because we don't know when we need it. Okay, for that thing we need to store the blood, and jahan pe we store the blood is known as what? Blood bank. Now blood banking is a daily practice, aapne suna bhi hoga. Blood donation is a good novel cause and a novel thing that you need to do if required. Why? Because blood ऐसी नेसेसिटी है जो कभी भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है? वी नेवर नो, क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं, कई बार डिसीजेस होते हैं, या फिर कोई बीमारियां जो आप डे टू डे लाइफ में भी फेस करते हो, तो ऐसी वक्त में जो है ब्लड की रिक्वायरमेंट किसी को भी हो सकती है। तो अब सपोज़ ऐसा हुआ कि रेयर ब्लड ग्रुप है किसी का एंड एंड टाइम पर कोई ब्लड ना मिले, तो फॉर दैट थिंग हमें अगर पता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए कि हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है खून की। एंड सपोज एक कोई आधा ग्रुप रेयर है तो उस पेशेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, तो वो ना हो, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ब्लड बैंक्स हो एंड ब्लड डोनेशन किया जाए, क्योंकि वी नेवर नो कि कल क्या होने वाला है। वी डोंट नो कि कभी भी ब्लड ग्रुप किसी को भी किसी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत पड़ सकती है एंड वो अवेलेबल ना हो तो इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। ओके, फॉर दैट थिंग ब्लड ग्रुप ब्लड बैंकिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, एज वेल एज ब्लड ग्रुप जो ब्लड डोनेशन है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ब्लड बैंकिंग व्हाट इज़ गिवन इन योर सिलेबस, तो कैसे ब्लड बैंकिंग की जाती, कैसे ब्लड स्टोर किया जाता है, कैसे उस ब्लड का कलेक्शन किया जाता है या फिर उसका सेपरेशन किया जाता है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, एंड ब्लड बैंक में जो है कौन सी चीज़ों की ज़्यादा यू नो रिक्वायरमेंट, कैसे वो ब्लड को स्टोर करने के लिए कौन सी फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आज हम ये देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो एज आई टोल्ड यू, ब्लड बैंकिंग जो होती है इट इज़ अ सिस्टम या फिर एक ऐसा रिसोर्स है जो आपको ब्लड प्रोवाइड करता है, ठीक है, या फिर ब्लड रिलेटेड कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है। आपको पता है ब्लड बैंक हॉस्पिटल्स में होते हैं, क्लिनिक्स में होते हैं, मोबाइल यूनिट्स में होते हैं, डिफरेंट रीजन्स में होते हैं, और होने भी चाहिए। ओके, दे आर एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, तो ये होने ही चाहिए और होते भी है। तो पहले तो ऐसा नॉलेज नहीं था कि ब्लड आप लोग, क्योंकि ब्लड एक पेरिशेबल कंपोनेंट है, हम ज़्यादा देर तक अगर ऐसे रख दे ब्लड को तो ऑब्वियसली बात है वो स्टोर नहीं हो पाता, कोएगुलेट हो जाता है एंड इट गेट डिस्ट्रॉयड। बट अभी ऐसे अवेलेबिलिटीज़ है, प्रोसीजर्स अवेलेबल है, कुछ रिसर्चेस हुई है जिससे क्या होता है कि हम ब्लड को बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर दैट पर्पज़ हमें क्या करना है कि हमें स्टडी करना है आज कि वो कौन से प्रोसीजर्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे आप इतनी दिनों तक ब्लड स्टोर कर सकते हो। देन ब्लड बैंक अगर हम बोलते हैं तो इट रेफर्स द फैसिलिटीज जहाँ पे ब्लड प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। आपको इवन ये भी इंश्योर वो करते कि आप ये प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम सपोज़ कोई मार्केट में से प्रोडक्ट लाते हैं, हमें नहीं पता वो हमारे लिए हमें सूट होगा कि नहीं, हमें से हमारे लिए सेफ होगा कि नहीं, बट ब्लड बैंक के मामले में दैट ब्लड बैंक इंश्योर्स दैट कि वो प्रोडक्ट जो भी आप ब्लड बैंक में से लेने वाले हो, प्लाज्मा हो या फिर WBC हो, RBC हो, जो भी चीज़ आप लेने वाले हो, इट इज़ सेफर। ओके, इट इज़ सेफर टू यूज़, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, तो ऑब्वियसली वो लोग इतने प्रिकॉशंस लेते ही है। नाउ द ब्लड ओके ब्लड इज़ ब्लड बैंक इज़ ऑल्सो कलेक्शन सेंटर जहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ के साथ साथ टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी होती है, ठीक है। वहाँ पे कोल्ड स्टोरेजेस होते, कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे क्या किया जाता है, लॉन्गर टाइम के लिए जो है ब्लड को आप रख सकते हो। अब ब्लड बैंकिंग की अगर बात करें तो इनकी डिस्कवरी जो हुई थी या फिर ब्लड बैंक का एस्टैब्लिशमेंट आई वुड से हुआ था इन द 1950,
by Richard Levinson of Mount Sinai Hospital in the New York City. ओके वहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डिस्कवरी किया कि उनको दिखाया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सोडियम सिट्रेट जो होता है वो एक एंटीकोएगुलेंट जैसे एक्ट होता है, और वो अगर आप ब्लड में डालते हो तो आप बहुत दिनों तक उसको स्टोर कर सकते हो. ठीक है, जैसे हम अचार में जो है आप तेल डालते हो फॉर द लॉन्गर टाइम प्रिजर्वेशन, वैसे ही नीम जो ब्लड है उसमें एंटीकोएगुलेंट्स डालो, लाइक EDTA हो तो आपको तो पता है EDTA डाला जाता है हमारे लैब्स में, बट यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया था सोडियम सिट्रेट जो ज़्यादा दिनों तक ब्लड स्टोर करने में उनको हेल्प कर रहा था. ठीक है, इसके अलावा एक और साइंटिस्ट है ऑसवर्ल्ड होप रॉबर्टसन. ठीक है, एक रिसर्चर थे वो एंड US में थे, उन्होंने एक डिपोर्ट लाइक बनाया जहाँ पे उन्होंने ब्लड का एक स्टोरेज सेंटर बनाया. ठीक है, उस कंटेनर में वो ज़्यादा ब्लड स्टोर कर रहे थे और उस वो यूज़ भी होता था. ठीक है, तो ये थे जो जिन्होंने ब्लड बैंक, फर्स्ट ब्लड बैंक डिस्कवर की थी. कौन? ऑसवर्ल्ड होप रॉबर्टसन. नाउ ब्लड की बात करें तो ब्लड बैंकिंग प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो जो चीज़ें की जाती है, पहले तो ब्लड का कलेक्शन किया जाता है. ठीक है, उसके बाद उस ब्लड का, अब कलेक्शन ऑब्वियसली वेनस ब्लड का किया जाता है, उसके बाद उसका सेपरेशन किया जाता है इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स प्लाज्मा में या फिर सेलुलर कंपोनेंट्स में, एंड देन उसको स्टोर किया जाता है अंडर द कंडीशन जहाँ पे प्रिजर्व हो सके, वो जितना भी लॉन्ग हो उतना पॉसिबल हो उतना स्टोर कर सके. ठीक है, अभी आपको पता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप टाइपिंग हमने स्टडी किया. ठीक है, या फिर कूम्स टेस्ट वगैरह हमने डिटेक्ट करना कैसे करते डिटेक्शन एंटीजन्स का ये देखा, तो उसकी मदद से क्या किया जाता है, और भी ज़्यादा टेस्ट हम एम्प्लॉय कर सकते हैं ब्लड बैंक में, जिससे क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है कि जो RBCs है या फिर जो भी हम ब्लड यूज़ कर रहे हैं वो इन्फेक्शन फ्री है, कोई ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड डिसीज ना हो, कंपेटिबिलिटी भी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए टेस्ट भी किए जाते हैं. ठीक है, इसके अलावा जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो होती है वो ये है कि आप लोग जो है ट्रांसफ्यूजन इफ़िशियंसी अच्छे से करो, ताकि क्या होता है कि कभी कभी अगर ट्रांसफ्यूजन कंपेटिबिलिटी ना हो देन इट कैन लीड टू द एडवर्स इफेक्ट, डेथ भी हो सकती है. फॉर दैट थिंग वी नीड टू डू वेरी केयरफुली द ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी. ओके, दैट इज़ अ मेन थिंग. आफ्टर दैट ब्लड जो होता है उसको सबसे पहले जब वेनस ब्लड निकाला जाता है तो उसमें एक एंटीकोएगुलेंट ऐड कर देना. ठीक है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेट करके आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में उसको सेपरेट करते हो, या तो फिर एक तो डायरेक्टली वो ब्लड वैसे के वैसा ही आप प्रिजर्व कर सकते हो. ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम लोग उसका RBCs, देन जो AHF होता है उसको बोला जाता है क्रायो प्रिसिपिटेटेड एंटी हेमोफिलिक फैक्टर, जो जिसमें ज़्यादातर जो कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं लाइक factor 8 वो होते हैं उसमें, तो वो लोग या फिर आप प्लाज्मा में प्लेटलेट फॉर्म में भी ब्लड को स्टोर कर सकते हो. ठीक है, अलॉन्ग विद डैट ये भी चीज़ है कि अब इनको स्टोर भी कैसे करना है, तो जो होल ब्लड होता है, ठीक है, होल ब्लड हो या फिर RBCs हो, पैक्ड RBCs मतलब डायरेक्टली जो RBC सेल होती है उनको आप 1 to 6 degrees Celsius पे स्टोर करते हैं, या फिर ब्लड बैंक जो होती है वो 1 to 6 degrees Celsius पे स्टोर करते हैं उनको, 42 days तक वो आराम से स्टोर हो पाती है. ठीक है, देन जो ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है, वो वी कैन स्टोर अप टू, इट इज़ स्टोर्ड बिलो 18 degrees Celsius, -18 degrees Celsius, बहुत कम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, या फिर उससे भी कम टेम्परेचर पे, वो भी आप 42 days तक रख सकते हो. देन अब की बैंकिंग कंसिडर, मतलब आप ये लोग अब ये जो हम करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हम जो करते हैं, जो प्रिजर्वेशन करना है वगैरह, वो कैसे किया जाता है इन द ब्लड बैंक, वो भी हमें जानना ज़रूरी है. तो पहली चीज़ तो ये कि ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, मतलब जो है ब्लड बैंकिंग हम लोग कर रहे हैं या फिर कोई ब्लड बैंक है तो उसमें कैसे वो पूरा जो मैनेजमेंट है वो कैसे किया जाता है वो हम स्टडी करेंगे. ठीक है, तो पहला पॉइंट होता है ट्रेसेबिलिटी. अब यहाँ पे ठीक है, हमें अश्योरेंस करना है कि हम जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जहाँ पे हम ब्लड बैंकिंग कर रहे हैं, ब्लड बैंकिंग जो हो रही है ये एक सेफ्टी वे में होनी चाहिए. जैसे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हम गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिसेस बोलते हैं, वो प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिममली हमारे
क्योंकि ये मेडिकल है, ठीक है, मेडिकली एप्लीकेशन है, इसमें रिस्क नहीं लिया जा सकता। इसमें अगर गड़बड़ी हुई मतलब पूरा कोलैप्स हो सकता है, पर्सन वो डेड डेथ भी हो सकती है उस पर्सन की। तो ये सब ना हो इसलिए प्रिकॉशंस ली जाती है, एंड दैट इज़ द मेन थिंग कि गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंगली वो सब चीज़ें हो, जो भी आप कर रहे हो, सर्टिफिकेशन कर रहे हो, उसका स्टोरेज कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। देन अब वो भी ऐसे कि आप शुरू से लेके एंड तक जो भी आपके पास सैंपल है, जो भी आपके पास जो ब्लड है, शुरू से लेके आखिर तक, ओके, जितना भी आप उसको स्टोर कर रहे हो, सब अकॉर्डिंग टू जीएमपी हो, और जीएमपी भी ऐसा कि वो आप आखिर तक वही प्रोसीजर यूज़ करो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देन दूसरी चीज़ ये कि आपको सेंट्रीफ्यूज कौन से यूज़ करने हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन से ही आप लोग सेपरेशन करते हो ब्लड कंपोनेंट्स का। तो सेंट्रीफ्यूज एक प्रकार से हम बोल सकते हैं वो हार्ट ऑफ ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड बैंक है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज की अगर बात करें तो ऐसा नहीं कि हम एक ही सेंट्रीफ्यूज यूज़ करते हैं ब्लड बैंक में, तो या फिर लैबोरेटरीज में, तो बहुत टाइप के सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं। तो वो भी कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कौन सा परफॉर्मेंस करना है आपको, कौन सी चीज़ आपको परफॉर्म करनी है उस सेंट्रीफ्यूज में, उसके अकॉर्डिंगली सेंट्रीफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन सेंट्रीफ्यूज में थोड़े से कोई लार्ज भी हो सकते, कोई सिंप्लीफाइड हो सकते, जो आपको यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। उसमें से कोई हो सकता है उसमें रोटर बिठाया होगा, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा फास्ट और कंसिस्टेंटली वो काम करे, ऐसे रोटर्स बिठाए जाते हैं किसी सेंट्रीफ्यूज में। या फिर ऐसे सेंट्रीफ्यूज होते हैं जो थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल सेंट्रीफ्यूज कर सकते हो, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो सकते हैं। देन अलॉन्ग विद दैट कुछ ऐसे स्पेशलाइज रोटर होते जो आप डायरेक्टली बैग में डालते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी रोटर्स होते जहाँ पे आप बैग्स में डायरेक्टली डाल के भी सेंट्रीफ्यूज कर सकते हो। देन एक पॉसिबल ये है, एक थिंग आपको याद रखनी कि रिलायबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब जो भी सेंट्रीफ्यूज आप प्रोवाइड करते हो वो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सको, एंड ऊपर से आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वो काम करे, प्लस अच्छा काम करे, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, उनका मॉनिटरिंग आपको करना पड़ता है। तो ये हुई सेंट्रीफ्यूज की बात। अब स्टोरेज की बात कि हम स्टोरेज कैसा करने वाले हैं, क्योंकि आपको ब्लड जैसा चीज़ को स्टोर करना है तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ेगी। तो वो है कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज मतलब आपको ऑब्वियस सी बात है, ब्लड को ज़्यादा दिन तक रखना है तो आपको उसको लोअर टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी माइनस में भी या फिर 1 to 2 degrees Celsius पे। नाउ जब आप ब्लड की बात करते हो तो वैसे टेम्परेचर पे रखने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि आपको उनकी शेल्फ लाइफ, आप ऐसा नहीं कि दो दिन दिनों के लिए स्टोर करने वाले, आपको बहुत दिनों तक स्टोर करना पड़ता है उसको। रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते, कभी भी रिक्वायर हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा स्टोर करना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंगली कोल्ड स्टोरेजेस को डिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है, वो भी ऐसे अकॉर्डिंग टू गुड मैन्युफैक्चर प्रैक्टिसेस। नाउ ये भी है कि अब फ्रिजर्स है, रेफ्रिजरेटर्स है, लेकिन वो भी कोल्ड लाइक इंसुलेशन में, ठीक है, हेवी इंसुलेशन होना चाहिए उन पे, ताकि क्या हो कि टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड हो सके बहुत देर तक। इंसुलेशन का यही काम होता है, होल्ड अप करना टेम्परेचर को। नाउ ये भी है कि पता नहीं पावर फेलियर हो सकता है उस एरिया में कभी भी, तो ब्लड बैंक फिर वो टेम्परेचर का पूरा चीज़ कोलैप्स हो सकता है, तो ये ना हो इसलिए बैकअप्स भी होने चाहिए, बैटरी वगैरह। देन अकॉर्डिंगली ग्लास डोर्स भी होने चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर जो होते हैं हम वैसा मेंटेन करने वाले हैं, तो बार बार दरवाज़ा खोल के या फिर बार बार अंदर जा नहीं सकते, तो इसलिए आपको ग्लास डोर होनी चाहिए वहाँ पे, ताकि हम बिना घुसे अंदर वी कैन मॉनिटर इट, ओके। देन अलॉन्ग विद दैट ब्लड बैंक्स में जो है गैसेस सिस्टम होनी चाहिए, ठीक है, वहाँ से क्या हो सकता है कि जो विषय की अभी क्या होता है कि कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं, तो क्लीनिंग वगैरह करते टाइम, ठीक है, वो चीज़ करने के लिए, या फिर सपोज़ आपको वो टेम्परेचर वैसे ही यूनिफॉर्म रखना है सब जगह पे, तो वो चीज़ करने के लिए यू नीड टू डू द फोर्स्ड एयर सर्कुलेशन, ठीक है, एयर सर्कुलेशन आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम करना पड़ेगा। देन अलॉन्ग विद दैट कुछ ये भी आपको रखने पड़ेंगे, प्रोप्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे प्रोप्स रखना पड़ेगा, ताकि प्रोप मतलब क्या, जो आपके टेम्परेचर को चेक करते या मॉनिटर करते, वो भी चीज़ आपको रखनी पड़ती है। देन अलॉन्ग विद दैट कुछ
टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर डिस्प्ले होने चाहिए मॉनिटरिंग करने के लिए, ताकि आपको बार बार अंदर जाके चेक, आप अश्योरिटी कैसे लोगे कि अंदर टेम्परेचर है भी या नहीं। तो ब्लड बैंक्स में वैसे होते हैं सिस्टम्स कि मॉनिटर या फिर इलेक्ट्रॉनिक या फिर ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं जहाँ से आपको टेम्परेचर का पता चलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। देन अलॉन्ग विद दैट कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। इतना बड़ा आपने सेटअप लगाया है, ब्लड बैंक लगाई है, तो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए जो है लाइक रेफ्रिजरेटर्स है अंदर या फिर कोई भी इक्विपमेंट है, सेंट्रीफ्यूज वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए रिमोट सिस्टम्स होने चाहिए, क्योंकि हम बार बार वहाँ पे जाके अब इतना सब चीज़ें हम एक साथ मैनेज नहीं कर सकते, तो रिमोट सिस्टम्स होने चाहिए फॉर दैट पर्पज़। देन अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये इनका 24/7 आपको मॉनिटरिंग करना है। तो वैसे मैकेनिकल वी कैन से नोटिफिकेशन देने वाले कुछ ऐसे इक्विपमेंट चाहिए वहाँ पे जो आपको टाइम टू टाइम अलार्म कर सके। देन वायरलेस मॉनिटर्स होने चाहिए कैबिनेट, अब अंदर के जो कंपार्टमेंट्स होते बहुत अंदर हो या फिर बड़ी ब्लड बैंक हो, तो अंदर के कंपार्टमेंट मॉनिटर करने के लिए कुछ वायरलेस सेंसर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, एक ब्लड बैंक में होने चाहिए यूजुअली। देन मॉनिटर सिस्टम्स भी होने चाहिए। देन एज आई टोल्ड यू, मॉनिटरिंग अच्छे से होना चाहिए, तो यूजुअली रिमोट्स या फिर वी कैन से सेंसर्स वगैरह की ज़रूरत तो पड़ती है, मॉनिटर्स की ज़रूरत पड़ती है। अगेन द थिंग दैट इज़ द सैम्पल सिक्योरिटी, मतलब इतना बड़ा ब्लड बैंक आपने बनाया है तो उसकी सिक्योरिटी भी इम्पॉर्टेंट है। तो वो सिक्योरिटी करने के लिए जनरली जो है स्ट्रिक्ट मेजर्स आपको लेने पड़ते हैं। तो लॉकिंग डोर्स वगैरह जो हम यूजुअली हमारे घर पे भी करते हैं कि लॉक वगैरह अच्छे से लगाओ, ये सब चीज़ें, बट यहाँ पे इतना बड़ा ब्लड बैंक है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा और प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे यू नीड टू प्रोवाइड डिजिटल लॉक्स और वी कैन से पिन वगैरह वाले जो लॉक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स, तो वो आपकी आपको जो है एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको सेफ्टी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है ब्लड बैंक की, ठीक है, ऐसे ही नहीं रख सकते। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है जब आप एक ब्लड बैंक खोलते हो या फिर कोई ब्लड बैंक इज़ बीन एम्प्लॉयड, तो वो ऐसे चलती है, ठीक है। इन सब चीज़ों पर क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी, पहले तो ये कि ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, पहले गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के अकॉर्डिंगली ही वो चलना चाहिए ब्लड बैंक। दूसरी चीज़ ये कि आपको सेंट्रीफ्यूज वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए। थर्ड चीज़ ये कि वहाँ पे आपको स्टोरेज करना है उनका, तो वो स्टोरेज करने के लिए जो ज़रूरत होती है रेफ्रिजरेटर वगैरह की, वो कैसे मॉनिटर करना है, उन रूम्स को कैसे मॉनिटर करना है, ये सब चीज़ें। फोर्थ वन इज़ द मॉनिटरिंग, ओके, मॉनिटरिंग कैसे करना है आपको कि इतना बड़ा लैब आप कैसे हैंडल कर सकते हो या फिर इतनी बड़ी ब्लड बैंक आप कैसे हैंडल करने वाले हो, इट इज सो इंपॉर्टेंट। देन लास्ट वन इज द सिक्योरिटी ऑफ द ब्लड बैंक, ठीक है। तो ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है जब आप एक प्रैक्टिस करते हो एक ब्लड बैंक की, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। इस लेक्चर में आपने सीखा कि ब्लड बैंक कैसे वर्क करती है, उसमें कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। सो दैट्स अबाउट इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर एंड प्लीज डू कमेंट योर अटेंडेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी।